हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। जहर ए मुनव्वर राना, महफिल नहीं मिल रही तो ट्विटर से फैल रहा है नफरत, हिंदुओं को ले रहे करके घृणा। उर्दू के मशहूर और विवादित शायर मुनव्वर राना ने एक विवादित ट्वीट में लिखा कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं। इसके साथ ही मुनव्वर राना ने लिखा कि ये 100 करोड़ चुनावों में वोट देने के ही काम आता है। यह पहली बार नहीं है जब मुनव्वर राना ने वादों के जरिए सस्ती लोकप्रियता का जुगाड़ किया हो, लेकिन सवाल यह हो रहा है कि एक लंबे अरसे तक लोगों के बीच लोकप्रिय कहे जाने वाले ये शायर उदारवादी नव बुद्धिजीवी आखिर 2014 के बाद से ही सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे प्रयोग क्यों कर रहे हैं। राहत इंदौरी से लेकर मुनव्वर राना, अनुराग कश्यप और ऐसे ही अन्य कथित उदारवादियों की जमात को आखिर पिछले कुछ सालों से ही ऐसे स्टंट की जरूरत क्यों पड़ गई? इन सब के जरिए अपनी संगता बनाए रखना क्यों आखिरी विकल्प हो गया? लेकिन इनके अच्छे दिन नहीं आया और उदारवादियों की चहेती पार्टी फिर सरकार बनाने से चूक गई। 2019 में एक बार फिर दक्षिण पंथी भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में स्थापित हो गई। इसके बावजूद दूरगामी परिणाम सामने आए हुआ यह कि वामपंथी और नव उदारवादी अब अपनी बेचैनी पर नियंत्रण कर पाने में पूरी तरह असमर्थ हो चुके हैं। यही वजह है कि मुनव्वर राना ने एक ही ट्वीट के जरिए अपनी मनसा स्पष्ट करते हुए हिंदुओं को जानवर और वोट बैंक बता दिया। मुनव्वर राना ने यह ट्वीट भाजपा नेता संबित पात्रा को संबोधित करते हुए भारत में रहने वाले लोगों को लेकर लिखा है। आइए देखते हैं मुनव्वर राना ने अपने ट्वीट हैंडल के जरिए संबित पात्रा को क्या लिखा है। डियर संबित, कांग्रेस की जवानी में तो आप गभे पे रहे होंगे। गभे का मतलब आप उड़ीसा में नहीं यूपी में पूछना, लेकिन कोरोना पर सरकार की नाकामी ने मेरी इस बात को सही साबित किया कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं जो सिर्फ वोट देने के काम आते हैं। अपने इस ट्वीट पर एक कमेंट में मुनव्वर राना ने लिखा, मैं झूठ के दरवाजे दरबार में सच बोल रहा हूँ, हैरत है कि मेरा कलम क्यों नहीं होता। मुनव्वर राना वर्तमान सरकार और उसके क्रियाकलापों को लेकर इतने अस्वस्थ है कि वह जानते हैं कि वो चाहे तब भी यह सरकार उन्हें कोई ऐसा कदम नहीं उठाने देगी। अवार्ड वापसी के कुछ समय बाद ही मुनव्वर राना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अच्छा शासक वो है जो 60 साल की खराबियों को 5 साल में ठीक कर दे, तो ही इतिहास में अकबर की तरह मोदी द ग्रेट लिखा जाएगा। मुनव्वर राना ने दादरी की घटना के बाद भी हिंदुओं को निशाना बनाते हुए कहा था कि देश में अभी तक यह फैसला नहीं किया गया है कि आतंक शब्द का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि जिस दिन आतंक की परिभाषा तय हो गई, बहुत सारी पार्टियां प्रतिबंधित हो जाएगी। वास्तव में चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, मुनव्वर राना हो या फिर इंदौरी हो, इन सब ने खुद ही अपने आप को बेनकाब करने का काम किया है। इन कलाकारों को ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि ये अपनी अभिव्यक्ति के प्रकटन के लिए इतने निम्न स्तरीय और घृणा शब्दों का इस्तेमाल करने पर विवश हो गए। गत वर्ष दिसंबर माह में नागरिकता कानून के विरोध में भी मुनव्वर राना परिवार सहित फन फैलाते हुए गए। लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में प्रदर्शन करने के दौरान मुनव्वर राना की बेटिया के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज होने के बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ जहर उगला था। लेकिन हकीकत यह है कि मुनव्वर राना की जमात विटामिन सी यानी विटामिन कॉन्फ्रेंस की कमी से जूझ रही है। उनके अन्नदाता स्वयं हर तरह से बेनकाब हो चुके हैं। उनकी अपनी ही झोली में अब लुटाने के लिए पुरस्कारों का अकाल है। यह वजह है कि अब स्टेज पर उन्हें जो मौके नहीं मिलते, उनकी पूर्ति वो ट्विटर और सोशल मीडिया पर अपने मजहबी जहर को उगलकर करने को मजबूर हैं।